हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बाजार के जैसे बिल्कुल स्पॉन्जी ढोकले। ढोकले बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक कप बेसन डाला है इसमें। मेज़र करने के लिए मैंने इसमें कॉफ़ी कप का यूज किया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून सूजी ऐड कर लेते हैं। अब मैंने इसमें 1/2 कटोरी दही ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, हमें पानी को एक बार में ही ऐड नहीं करना है, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करते रहेंगे और इसी तरह से इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं अब इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेती हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से इसी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैंने 2 हरी मिर्ची ली है और इसको कट करके इसमें डाल दिया है। 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड की है इसमें मैं। 1 चम्मच मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। 1/2 चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हो। 1 चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर हमारा पेस्ट अभी थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं अब इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर लेती हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसको मिक्स करने के बाद 30 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। 30 मिनट हमारे हो चुके हैं तो मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें इस तरह का मैंने एक स्टैंड लिया है, वो भी इसमें डाल दिया है। अब हमने 2 गिलास पानी लिया है और वो भी इसमें ऐड कर दिया है। जब तक हमारा पानी गर्म होता है हम अपने ढोकले के लिए एक बर्तन तैयार करते हैं। मैंने इस तरह का एक सिल्वर का बर्तन लिया है और अब इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि हमारे जो ढोकले बनेंगे वो नीचे बिल्कुल चिपके ना। इस तरह का मैंने एक बटर पेपर लिया है और वो भी इसमें लगा दिया है। अब इस पर हम चारों तरफ से अच्छी तरह से इस पर तेल लगा देते हैं। हमारा ढोकले का बर्तन बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब जो हमारा पेस्ट था उसमें मैंने 1 चम्मच इनो लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इनो को। इनो को मिक्स करने के बाद जो हमने बर्तन तैयार किया था ढोकले के लिए, अब हम अपने पेस्ट को उसमें डाल देते हैं। अब हमारा पानी भी गर्म हो चुका है और अब हम अपने बर्तन को इसमें रख देते हैं। अब हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए थोड़ा पकने देना है और कुकर को मैंने कर दिया है बंद और इसकी जो विसल थी वो मैंने इसमें निकाल दी है ताकि इसकी थोड़ी थोड़ी भाप इसकी निकलती रहे और हमारे ढोकले बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाए। 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोलकर एक बार चेक करते हैं। हमारे ढोकले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं।
अब मैंने एक चाकू लिया है और चाकू से मैं ये इस तरह से इसको चेक कर रही हूँ। हमारा चाकू बिल्कुल साफ़ निकला है तो हमारे ढोकले बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। ढोकले को हम अपने दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और जो हमने इस पे बटर पेपर लगाया था उसको भी हटा देते हैं। अब हम अपने ढोकले के पीस बना लेते हैं। हमारे ढोकले बिल्कुल बाजार टाइप के बिल्कुल स्पॉन्जी ढोकले बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है और अब इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहो तो रिफाइंड भी ले सकते हो। हमें अपनी गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है, हाई फ्लेम पे हमारा तड़का बिल्कुल जल जाएगा। अब मैंने इसमें 1 चम्मच राई डाली है, 4-5 हरी मिर्ची बीच से कटी हुई वो भी डाल दिए। अब इसमें 7-8 कड़ी पत्ते भी ऐड कर लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। हमें अपनी गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है और अब इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह पकाना है। हमारी 1 मिनट हो चुकी है, अब मैं इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ और अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड कर लेते हैं और अब इसको 1 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे ही इसे पकाते हैं। हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो चुका है तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ। अब हम तड़के को अपने ढोकले पर थोड़ा थोड़ा करके इस पे डाल देते हैं। हमारे ढोकले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी बाजार टाइप के ढोकले बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए।